स्वागत है। लोक आयुक्त की बड़ी कार्रवाई। अकाउंटेंट कछोले बोला, मैंने घूस ली है। नगर परिषद धोरासा में गिरफ्तारी के बाद कहा सच है, मुझे रंगे हाथों पकड़ा गया। सीएमओ मैडम ने कहा था ठेकेदार से बिल की 40% रकम लेना है। धोरासा नगर परिषद के अकाउंटेंट हरिओम कछोले को उज्जैन लोकायुक्त टीम ने सोमवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अकाउंटेंट बोला, मैंने तो सीएमओ मैडम माया मंडलोई के कहने पर रुपए लिए हैं। मैडम ने कहा था कि ठेकेदार से बिल का 40% लेना है। नियम से मैडम पर भी एक्शन होना चाहिए। वहीं इन आरोपों पर सीएमओ की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। धोरासा के मनीष यादव ने अकाउंटेंट के रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त उज्जैन को की थी। मनीष ने 2019 में नगर परिषद को निजी ट्यूबवेल से 50 रुपये प्रति टैंकर पानी सप्लाई किया था। 2.25 लाख रुपये का बिल बना था। जब मनीष ने रुपए मांगे तो अकाउंटेंट ने 40% कमीशन की बात कही। सोमवार को अकाउंटेंट ने कहा था कि वह 1 लाख रुपये का चेक देगा, बदले में उसे 40,000 रुपये देना होंगे। मनीष का आरोप है कि सीएमओ माया मंडलोई ने अकाउंटेंट के जरिए बिल की रकम की 40% रिश्वत मांगी। इन्होंने राउंड फिगर में 80,000 देने को कहा था। जब मैंने कहा कि 70,000 तक कर लो तो अकाउंटेंट बोला मैडम नहीं मान रही है। मेरा पक्ष ये है कि सीओ मैडम ने मेरा से बोला था कि इस पे 40% लेना है। क्या किस चीज़ का बिल था, क्या पूरी घटना बताइए। घटना ये है सर कि 2,20,000 रुपये का 2.25 लाख का भुगतान था। 2.25 लाख के भुगतान पे सीओ मैडम ने बोला कि 40% लगेंगे, तो मैंने 40% को संबंधित को बोल दिया, उसके कारण उसने मेरे को तो आज जैसे कि आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो इस संबंध में आपका यह कहना है कि आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। नहीं है सर, मेरा कोई योगदान नहीं। और आपका नाम? हरिओम कछोले। 2019 में मार्च में 19 मार्च से मैंने ट्यूबवेल से पानी दिया गया था नगर को। 5 महीने सलंग पानी दिया गया था सुबह से शाम तक, और हमने घर में पानी का यूज़ खेती में नहीं करा। टोटल सुबह शाम तक पानी दिया गया था और टैंकरों की भीड़ लगती थी 2-2, 3-3 दिन। सर हमने बिजली का बिल भी 5 महीने का जेब से भरा, अभी तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ। 5 महीने का 2,22,000 पेमेंट था सर। तो आज जो कार्रवाई उसमें क्या भूमिका रही बताएं सर। आज जो कार्रवाई रही उसमें रिश्वत मैम के द्वारा मांगी गई है अकाउंटेंट के लिए, मतलब अकाउंटेंट साहब बोल रहे हैं कि मैम मांग रही है पूरा 40%। ये है सर पूरा घटनाक्रम। बताओ कैसे क्या आपसे मांगी और कैसे पूरा घटनाक्रम आपने अंजाम दिया। मैंने बोला सर पेमेंट के लिए मैं आया था एक बार, मैंने बोला कि बेटा पेमेंट तो मैडम करी, मैम से आप बात करो। तो मैम ने 40% मांगे, तो मैंने बोला सर 40% तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं सर 40% के कितने हो रहे, 88,800 रुपये हो रहे हैं। तो इनने ये बोला कि मैम कम करेगी नहीं बेटा, तो 2-2.5 साल का पुराना पेमेंट है। मैं सर पुराना पेमेंट क्या करूँ, कर्मचारी उनकी वजह से मेरी फाइल नहीं बनी पाई, तो मैं क्या करूँ इसमें। ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर, मैं उस समय भी आया था सर बहुत बार, 2-2.5 साल से आ रहा हूँ। फिर इन्हें बोला कि चल मैम से कल बात करता हूँ। डबल में आया ऐसा, मैं 12-15 बार बात करी मैंने। इन्हें फिर बोला कि मैम से बात करूँ, फिर मैम से बात करी थी, मैम ने यूँ बोला कि नहीं 40% से कम हो गई।